आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 636वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर के उत्तरी हिस्से में हम खड़े हुए हैं और उत्तरी हिस्से में जबलपुर रोड जैरत नाकी के आगे का ये हम नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से शादी ब्याह के चलते जाम लगा है। डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक लगातार जाम यहाँ लगा रहता है। दरअसल जैरत नाके से नगझर तक यहाँ पर बहुत सारे मैरिज लॉन्स हैं जहाँ लोग आते हैं शादी ब्याह के चलते। यहाँ लोग आते हैं और इस शादी ब्याह के चलते जो भी लोग यहाँ आते हैं वे अपने वाहनों से आते हैं और यहाँ पर जाम लगना बहुत स्वाभाविक है। यहाँ का ये हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर ये सिवनी शहर की तरफ जाने वाला रास्ता और सिवनी शहर से जब आप आते हैं तो ये जो सड़क है सड़क के बाजू में खोद दिया गया है। दरअसल लगभग 13 किलोमीटर की यहाँ पर सड़क MPRDC के द्वारा बनाई जानी है और MPSRDC इस सड़क को बना रही है। लगभग 4 महीने से पूरा खोद कर रखा हुआ है। यहाँ खुदे होने के कारण जाम लग जाता है और अगर आप देखें तो 2 या 3 गाड़ियां अगर एक साथ निकलें तो उसके बाद गाड़ी निकलने की यहाँ जगह नहीं रह जाती है। पहले होता यह था कि नीचे चूंकि यहाँ खुदा नहीं था इसलिए नीचे गाड़ियां आ जाती थी और जाम नहीं लग पाता था। आप निकल जाएं तो यहाँ जाम नहीं लग पाता था और जाम नहीं लगने की अब जाम जो लग रहा है उसके पीछे मूल कारण जो सामने आया है क्योंकि हर घर में एक चार पहिया वाहन है और जितने लोग भी शादी ब्याह में आते हैं वे लोग यहाँ पर अपने अपने वाहनों से आते हैं। चार पहिया वाहन जितने भी शादी में लोग आते हैं लगभग 70% लोग अपने अपने वाहनों से आते हैं और उन वाहनों की पार्किंग की जगह नहीं। ये बात सच है कि यहाँ जितने भी लॉन्स हैं उन लॉन्स में पर्याप्त पार्किंग नहीं। पार्किंग की जो व्यवस्था की गई है वो भी बाबा आदम के ज़माने की व्यवस्थाएँ हैं। जितने चार पहिया वाहन आते हैं उतने चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, जिला प्रशासन हो, कोई भी इस ओर ध्यान देना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा जवाबदेही अगर किसी की बनती है वो बनती है सांसदों और विधायकों की। 2 सांसद 4 विधायक हैं। सिवनी शहर में अगर जाम लग रहा है तो जाम क्यों लग रहा है? दरअसल हम थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलना चाहेंगे। सिवनी में जो कुछ भी होता है सिवनी शहर के नागरिकों के लिए किया जाता है पर सिवनी शहर के नागरिकों से ना ही पूछा जाता है ना ही उनकी राय ली जाती है। उनके ऊपर प्रशासनिक निर्णय थोप दिए जाते हैं। एक यहाँ पर डॉक्टर जी के सारस्वत जिलाधिकारी आए थे, जिला कलेक्टर आए थे। उस वक्त लगभग 6.25 लाख रुपए की लागत से एक मोगली की झांकी गणतंत्र दिवस में दिल्ली में प्रदर्शित की गई थी। वो झांकी जब सिवनी लाई गई तब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जी के सारस्वत जो जिलाधिकारी थे उनसे कहा गया था कि इस झांकी को PWD के सर्किट हाउस में कहीं व्यवस्थित लगा दिया जाए प्लेटफॉर्म पर ताकि PWD उसकी देखभाल करे। वे नहीं माने, उन्होंने अपने निर्णय को थोपा और वो जो निर्णय था ये देखिए यहाँ से अभी चली जा रही है बस, ओवरलोड बस जा रही है, कोई देखने वाला नहीं। और जो हम आपको बता रहे थे वो झांकी बस स्टैंड में जो उत्कृष्ट विद्यालय उर्दू स्कूल के किनारे मोहाने पर लगा दी गई थी। कुछ सालों बाद उसे निकाल कर फिल्टर प्लांट जो बवरिया फिल्टर प्लांट के पास रख दिया। आज मोगली की झांकी का मोगली या वगैरह कहाँ है किसी को नहीं मालूम। इसी तरह जिला चिकित्सालय को बांस की जाफरी से बंद कर दिया गया था, लोगों को हवा पानी बंद हो गया था जिससे बाद में उसे हटाया गया। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सिवनी के लिए अगर किया जा रहा है तो सिवनी के लोगों से पूछा जाए, सिवनी के लोगों से कोई पूछता नहीं। यहाँ ये आप देख रहे हैं खुदा पड़ा हुआ है और अगर यहाँ से इकट्ठी 25-50 गाड़ियाँ निकलें जाम लगना स्वाभाविक है। इसी सड़क पर बारात भी लगती है।
एक और उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे, उस उदाहरण के हिसाब से हम आपको अगर बताएं तो बस स्टैंड पर एक पुलिया का निर्माण कराया गया। उस पुलिया में आए दिन जाम लगता था, तब भी यही बात सामने आई थी कि सिवनी के लोगों के लिए आप कर रहे हैं, पर सिवनी के लोगों से पूछने की जहमत प्रशासन ने नहीं उठाई। दरअसल होना यह चाहिए था कि बाएं और दाएं दोनों तरफ की सड़कें चालू रखकर बीच का हिस्सा, बीच का लगभग 10 या 15 फीट का हिस्सा तोड़कर वहां पर पहले लैंटर्न किया जाना चाहिए था, जो लैंटर्न आधा आधा किया गया। बीच का अगर उस पर लैंटर्न किया जाता और उसके बाद जैसे ही वो लैंटर्न पूरा होता, दाएं अर्थात दलसागर के मुहाने की तरफ या फिर जो अशोक टाकीज, पुरानी अशोक टाकीज जाने वाले रास्ते की तरफ, वहां का कोई हिस्सा तोड़कर और जब चालू किया जाता तो वो 15 फीट और जो अभी एग्जिस्टिंग रोड जो खुली होती, एक तरफ की आप तोड़ते एक तरफ खुली रहती, बड़ा एक पैसेज मिलता वाहनों को जाने के लिए। इसी तरह जब एक तरफ का बन जाता है तो दूसरी तरफ का तोड़ दिया जाता है। इस तरह से यहाँ व्यवस्थित किया जा सकता था। कमोबेश यही स्थिति यहाँ इस सड़क 13 किलोमीटर की सड़क, पूरे 13 किलोमीटर की यहाँ जो जबलपुर रोड के बाईपास से लेकर नागपुर रोड के बाईपास तक इस सड़क को बनना, ये सड़क के बीच में एक मॉडल रोड भी है, नगर पालिका की महत्वाकांक्षी योजना मॉडल रोड जो 2011 में आरंभ हुई थी, जो 11 करोड़ की लागत से उसे आरंभ कराया गया था। 2011 से 2024 आ गया, अभी तक उसकी पूर्णता, उसका पूर्णता प्रमाण पत्र कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी भी जारी नहीं हो पाया है और उसके ऊपर अब दूसरी सड़क बनाई जा रही है। अगर आप जहरत नाके से नागपुर नाके के आगे तक जाएं तो जो डिवाइडर्स हैं, रोड के डिवाइडर्स हैं, उन डिवाइडर्स को अगर आप देखें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन डिवाइडर्स का वो डिवाइडर्स स्थान पा सकते हैं। स्थान इसलिए पा सकते हैं, कहीं 4 फीट चौड़ा डिवाइडर है, कहीं 4 इंच पतला डिवाइडर है। आखिर कर क्या रहे हैं सिवनी के लिए? ये जो यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है 13 किलोमीटर की सड़क को अगर ये 400 मीटर एक तरफ सड़क के दाई तरफ या बाई तरफ या दाई तरफ कहीं पर भी एक तरफ 400 मीटर सड़क खोदी जाती, उस 400 मीटर सड़क की फिलिंग की जाती, फिलिंग करने के बाद फिर 400 मीटर खोदी जाती, फिर फिलिंग की जाती, फिर 400 मीटर खोदी जाती, फिर फिलिंग की जाती और उसके ऊपर जब ट्रैफिक चलता रहता या कॉम्पैक्शन होता रहता उसके बाद 400 मीटर या 800 मीटर का या एक रात ओवरनाइट, चूंकि आजकल तकनीक बहुत उन्नत आ चुके हैं, एक रात में पूरा यहाँ से वहां तक डामरीकरण या 2 या 3-4 दिन में डामरीकरण हो सकता था, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। दरअसल देखा जाए तो सिवनी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 70, 80, 90 के दशक में बहुत अच्छे से याद है, अखबारों में, अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी कि सिवनी को प्रयोगशाला बनाकर रखा हुआ है। जो भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए जाते थे वो प्रशासनिक अधिकारी सिवनी में पहली पदस्थापना उनकी होती थी। एक तरफ तो आप संवेदनशील जिलों की फेहरिस्ट में सिवनी को रखे हुए हैं और उसके बाद जब यहाँ पर तैनाती की बात आती है प्रशासनिक अधिकारियों की, तो प्रशासनिक अधिकारी जो भी यहाँ तैनात किए जाते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की पहली पदस्थापना होती है। सांसद विधायकों का कोई बस प्रशासन पर नहीं है, ये बात बिल्कुल उसी तरह सत्य जिस तरह दिन और रात। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोविड में देखने को मिला। कोविड में इतनी भारी भरकम राशि आई, कोविड के पहले सिवनी में कायाकल्प अभियान चलाया गया, जिला चिकित्सालय को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला अस्पताल, इतने पैसे जुटाए गए। आज आप चले जाइए उन पैसों का क्या हुआ ये पूछने की जहमत तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, तत्कालीन सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, तत्कालीन विधायक दिनेश राय जो वर्तमान में भी विधायक हैं, केवलारी के विधायक राकेश पाल सिंह, लखनऊ दौन के विधायक योगेंद्र सिंह जो वर्तमान में विधायक है, और जो बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, उन्होंने किसी ने कभी नहीं उठाई, ना ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना को इस बात की सुध रही, ना ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे ने ही इस दिशा में कोई प्रयास किए कि वे प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में दरियाफ्त कर सके कि इस पैसे का किया क्या गया जो कोविड में पैसा आया। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि आज के समय में
सिवनी में राजनीति दिशाहीन हो गई है, ये लोग कहते हैं। सिवनी में प्रशासनिक अधिकारी जो चाहते हैं वे वो काम करते हैं, सांसद हो या विधायक, वे जनता की नब्ज टटोल कर जनता क्या चाहती है ये करने की जहमत नहीं उठाते। प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने यहाँ पानी भरा हुआ है। अगर रात के समय कोई भी वाहन यहाँ से निकला और थोड़ा सा भी उसका संतुलन बिगड़ा, सीधे नीचे गिरेगा। कितनी चौड़ी सड़क यहाँ पर है, कितनी चौड़ी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, सिवनी शहर के अंदर इनके द्वारा खुदाई नहीं की गई है, क्योंकि सिवनी शहर के अंदर अगर यातायात का जाम लगता तो हाहाकार मच जाता। पर ये गांव जो ग्रामीण अंचल है, लुगरवाड़ा है, आगे नगझर है, उस तरफ कैरीटेक है, यहाँ की जनता को की सुविधाओं की किसी को परवाह नहीं है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर हम यही कहना चाहेंगे, MPRDC को शायद अभी दो दिन पहले जिलाधिकारी के द्वारा, ये देखिए हमारे पीछे एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस भी उस जाम में फंसती है। विधायक दिनेश राय, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जाम लगता है, आपने आकर कभी देखा? आपने प्रशासनिक अधिकारियों से कभी चर्चा की? आपने प्रशासनिक अधिकारियों को कभी निर्देश दिए? एक विधायक है आपके साथ, जनता का समर्थन है, इस सड़क से अगर सारे वाहन निकलने लगे, नागपुर रोड वाले वाहन भी यहीं से निकले, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव को हमने स्वयं ने यह मशवरा दिया था कि सारे वाहन इसी तरफ से आए और यहाँ ये जो बाईपास है, ये बाईपास से, पुराने बाईपास से, या फिर डांडा फैक्ट्री जाने वाली रोड से, या फिर रजवाड़ा के बाजू वाली रोड से सारे वाहन गुजारे जाएं मंडला, बालाघाट और कटंगी के। वो उन्होंने उस बात की फिजिबिलिटी देखी कि वास्तव में वो जा सकते हैं कि नहीं, और निर्देश जारी हुए। आज हम जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल से कहना चाहते हैं कि यहाँ से आगे जाके समरिया वाला रोड थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, स्लिप रोड दो बना दी जाए नए वाले बाईपास पर, जहाँ से वाहन ऊपर चढ़ेंगे और नीचे उतरेंगे, और उस स्लिप रोड से चढ़ उतर कर वाहन छिंदवाड़ा और नागपुर रोड जाएंगे। बस स्टैंड से लेकर जियारत नाके तक आबादी बहुत कम है, सारे वाहन आसानी से निकल सकते हैं। बुधवारी और शंकर मढ़िया छिंदवाड़ा नाके का जाम खत्म हो जाएगा। इस शहर के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, एक इल्तजा है, दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, सिवनी शहर के नागरिकों से पूछ तो लिया जाए कि क्या ये उचित होगा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये लगभग 6-8 महीने से खुदा पड़ा हुआ है और आगे 1 साल और खुदा पड़ा रहेगा। इसको खोदने का औचित्य अगर खोदा गया है और असुविधा हो रही है तो जिलाधिकारी को चाहिए, जिस ठेकेदार के द्वारा इसे खोदा गया, काम चालू नहीं किया, उस पर दंड अधिरोपित किया जाए, जनता को होने वाली असुविधा के लिए उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए कि आखिर क्या वजह है कि इतने लंबे समय से ये खुदा हुआ है। 24 अप्रैल 2023 को सिवनी में ब्रॉडगेज आरंभ हो चुकी है और 24 अप्रैल 2024 भी आ गया, 1 साल बीत चुका है पूरा, और इस 1 साल में फ्लाईओवर का काम सांसद, तत्कालीन सांसद डॉक्टर निवृत्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आरंभ नहीं करवा पाए। होना ये चाहिए था कि जिस दिन आरंभ हुई ब्रॉडगेज उसी के तुरंत बाद काम आरंभ होता और 6 महीने में ऊपर कम से कम कुछ स्ट्रक्चर तो दिखाई दे जाता। अभी तो सॉइल टेस्टिंग ही चल रही है। सिवनी की जनता बहुत संयमित, बहुत शांत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर सिवनी की जनता के सुविधाओं का ध्यान रखने की जवाबदेही 4 विधायक 2 सांसदों की है। वे अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएं, सिवनी को समृद्ध जरूर बनाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटी की लालटेन के 636वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमिटी की लालटेन और अन्य खबरें देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 637वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।